a very good morning dear students we are continuing our first chapter so in the previous video we have learned about the main parts of computer that is keyboard mouse monitor and cpu now today we will learn some more parts of a computer so here mashi is saying to money money apart from these four main parts there are some मोर पार्ट्स ऑफ अ कम्प्यूटर मशी मनी से कहता है इन मेन पार्ट्स जो हमारे मेन फोर पार्ट्स हैं उनके अलावा भी हमारे कंप्यूटर के कुछ और पार्ट्स भी होते हैं नाउ मनी इज आस्किंग वट इज दीज वो कौन से पार्ट्स होते हैं मशी दीज आर स्पीकरस एंड हैडफोन्स प्रिंटर स्कैनर डिस्क ड्राइफ मैक माइक्रोफोन एक्सेट्रा तो मशीन ने उन्हें बताया कि कौन कौन से हमारे और भी कौन से पार्ट्स होते हैं स्पीकर्स हेडफोन्स प्रिंटर स्कैनर डिस्क ड्राइव और माइक्रोफोन और ऐसे बहुत सारे हमारे पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं ओके सो नो लेट स्टार्ट फ्रॉम स्पीकर्स एंड हेडफोन्स मशीन हाई मनी वट आर यू डूइंग मशी इज़ आस्किंग टू मनी दैट वट इज डूइंग वो मनी क्या कर रहे हो मनी एंजॉइंग द म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर मनी इज मनी रिप्लायड वो क्या कर रहा है म्यूजिक को इन्जॉय कर रहा है किस में कंप्यूटर में बोथ स्पीकर्स एंड हैडफोन्स आर यूज टू हेयर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर स्पीकर्स ऑलवेज कम एंड पेयर तो जो हमारे स्पीकर्स और हेडफोन्स होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं कोई भी वॉइस कोई भी साउंड सुन सकते हैं हेयर मीज सुनना ओके फ्रॉम द कंप्यूटर कंप्यूटर से जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी या फिर कोई भी वॉइस आएगी उसे हम किसके थ्रू सुने सुनते हैं स्पीकर्स या फिर हेडफोन्स के थ्रू सुनते हैं ओके okay? और हमारे जो स्पीकर्स होते हैं वो किस में आते हैं ऑलवेज कम इन पेयर्स स्पीकर हमेशा पेयर्स में आते हैं ओके यूजिंग हेडफोन यू कैन लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स और हेडफोन्स के थ्रू हम बिना किसी को डिस्टर्ब किए म्यूजिक सुन सकते हैं ओके okay? स्पीकर से सबको सुनाई देगा ठीक है लाउड वॉल्यूम में स्पीकर चलते हैं बट हेडफोन्स में आपको सिर्फ खुद ही सुनाई देगा ओके आपको जो आपने म्यूजिक लगाया है वो सिर्फ आपको ही सुनाई देगा दूसरे लोग म्यूजिक से डिस्टर्ब नहीं होंगे ओके बाय द यूजिंग ऑफ हेडफोन्स मनी मशी मनी यूजिंग हेडफोन्स विद हाई साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन हार्म योर एयर ड्रम्स तो हम जब बहुत देर तक हेडफोन्स को यूज करते हैं हाई साउंड में ठीक है तो वो हमारे एयर ड्रम्स को हार्म कर सकते हैं हमारी कान हमारे ईयर्स में जो ड्रम्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं नुकसान पहुँचा सकते हैं नाउ द सेकेंड इज प्रिंटर मशी आई हैव क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल ग्रीटिंग कार्ड ऑन द कंप्यूटर आई वॉन्ट टू गिव इट टू माई मदर हाउ कैन आई प्रिंट इट ऑन अ पेपर तो मनी मशी से पूछ रहा है कि मशी मैंने एक क्या बनाया बहुत ब्यूटिफुल सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है कंप्यूटर में कंप्यूटर में उसने कोई पिक्चर ड्रॉ करी होगी कोई कार्ड बनाया होगा अपनी मदर के लिए ठीक है तो उसने अपनी मदर के लिए एक ब्यूटीफुल से ग्रीटिंग कार्ड बनाया है कंप्यूटर में सो मनी इज़ आस्किंग टू मनी दैट हाउ कैन ही प्रिंट इट ऑन अ पेपर कि वो उस ग्रीटिंग कार्ड को एक पेपर में कैसे प्रिंट कर सकता है एंड मन मशी रिप्लाइड मनी यू कैन यूज़ अ प्रिंटर तुम क्या कर सकते हो प्रिंटर का यूज कर सकते हो मनी ओ यस, आई हैव सीन माय फादर टेकिंग प्रिंट आउट्स ऑफ देयर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर अरे हाँ मैंने तो देखा था अपने फादर को प्रिंट आउट्स निकालते हुए वो अपने किसी भी काम का क्या करते हैं प्रिंट आउट निकालते हैं कंप्यूटर से ओके द डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर तो कोई भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन कोई भी वर्क हम जो कंप्यूटर में करते हैं उन्हें हम एक पेपर में प्रिंट करने के लिए ओके okay? पेपर में प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं प्रिंटर का यूज करते हैं द प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड द प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी तो जो भी हम पेपर में प्रिंट निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी ओके द फाइल कंटेनिंग द डेटा ऑन द कम्प्यूटर इज़ कॉल सॉफ्ट कापी और जो भी फाइल या डेटा हमारे कंप्यूटर में होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कापी ओके जो भी हमारी इंफॉर्मेशन डेटा हम कुछ भी वर्क करते हैं वो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है ठीक है उस सेविंग फाइल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट कापी और उन्हीं फाइल्स को उन्हीं वर्क को अगर हम एक पेपर में प्रिंट कर देते हैं तो हम कहते हैं उसे हार्ड कापी okay there are different types of printers dot matrix printer color printer laser printer there are lots of printers okay dot matrix printer color printer laser printer now next is scanner machine i have a photograph of my grandparents i want to copy it ऑन टू द कंप्यूटर हाओ कैन आई तो उसके पास एक हार्ड कॉपी में मतलब उसके पास जैसे आपके पास फोटोग्राफ्स होती हैं ना वैसी ही मशी मनी के पास फोटोग्राफ्स हैं ठीक है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तो उसे उस फोटोज़ को फोटोज़ की कॉपी सेव करनी है कंप्यूटर में सो ही इज आस्किंग टू मशी दैट हाउ कैन ही कॉपी दैट फोटोग्राफ्स ऑन द कंप्यूटर मशी इट्स सो सिंपल यू कैन यूज अ स्कैनर ये बहुत ही आसान है तुम क्या यूज करते सकते हो स्कैनर्स का यूज कर सकते हो अ स्कैनर इज लाइक अ फोटो कापी मशीन यूजिंग अ स्कैनर यू कैन कॉपी टेक्सट एंड इमेज फ्राम पेपर एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर स्कैनर क्या है एक फोटो कॉपियर मशीन है ठीक है जो हमारी किसी भी फोटो को क्या सकता कर सकता है कॉपी कर सकता है यूजिंग अ स्कैनर यू कैन टेक्स कॉपी टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम पेपर एंड स्टोर इन द कंप्यूटर किसी भी पेज से आप क्या कर सकते हो उसके टेक्स्ट या इमेजेस को स्कैन कर सकते हो और कंप्यूटर में सेव कर सकते हो बाई यूजिंग द स्कैनर वी कैन स्टोर और कॉपी द टेक्स्ट और इमेजेस इन द कंप्यूटर ओके नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रोफोन मनी मशी एज वी लिसन टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर वी कैन वी रिकॉर्ड अवर साउंड एन टू द कंप्यूटर मशी या मनी तो मनी इज आस्किंग टू मशी की क्या हम जो म्यूजिक सुन रहे हैं लिसन कर रहे हैं कंप्यूटर से कि हम उसे कंप्यूटर में उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या कोई भी साउंड को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर में तो मशी रिप्लाइड या मनी बिल्कुल हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोफोन वी कैन रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड अदर साउंडस इन टू द कंप्यूटर माइक्रोफोन के थ्रू या माइक्रोफोन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं अपनी वॉइस या कोई भी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर में ओके okay? नाउ मशी मनी हेडफोन्स विद माइक्रोफोन आर वाइडली यूज्ड इन ऑफिस फॉर वॉइस चैटिंग तो मशी मनी को बताता है कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा हम यूज़ होता है हेडफोन और माइक्रोफोन का फॉर वॉइस चैटिंग वॉइस चैटिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं ऑफिसिस में हेडफोन और माइक्रोफोन्स का हेडफोन से वो सुनेंगे लिसन करेंगे और माइक्रोफोन से वो अपनी वॉइस सेंड करेंगे ओके नाउ द नेक्स्ट है सीडी डीवीडी रोम ड्राइव यूजिंग सी डी डी वी डी रॉन्ग ड्राइव यू कैन एक्सेस द डेटा स्टोर एंड सी डी डी वी डी सी डी और रॉन्ग ड्राइव का यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम जो डेटा स्टोर है हमारे सी डी या डी वी डी में उसे एक्सेस कर सकते हैं ओके तो जब हम अपनी सी डी या डी वी डी को रखते हैं ट्रे में तो हमारी एक ड्राइव ओपन होती है उस ड्राइव में जब अपनी सी डी और डी वी डी को रखते हैं तो हम इसमें जो डेटा स्टोर है उसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है नाउ वेब कैमरा मनी मशी वी कैन वॉइस चैट यूजिंग अ माइक्रोफोन एंड हेडफोन और स्पीकर्स बट हाउ कैन वी डू वीडियो चैटिंग तो अब जैसे हम वॉइस चैटिंग कर रहे हैं ठीक है अपनी वॉइस मतलब जैसे हम फोन कॉल करते हैं ना वैसे ही हम कंप्यूटर्स के साथ भी फोन कॉल कर सकते हैं तो उसमें हम किसका यूज कर रहे थे हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स का यूज़ कर रहे थे ठीक है तो मश, मनी मशी से पूछ रहे हैं कि हम वॉइस कॉलिंग के लिए तो हम हेडफोन्स और माइक्रोफोन का यूज़ करें बट अगर हमें वीडियो चैटिंग करनी होगी तो हम क्या करेंगे देन मशी रिप्लाइड मनी फॉर वीडियो चैटिंग अ वेब कैमरा इज रिक्वायर्ड तो हम किसका यूज़ करेंगे वीडियो चैटिंग के लिए वेब कैमरा का यूजिंग अ वेब कैमरा यू कैन कैप्चर द फोटोज एंड मूवीज एंड स्टोर दैम इन अंप्यूटर तो वेब कैमरा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कोई भी फोटोज या मूवीज को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में तो so, जब हम वीडियो कॉलिंग करेंगे तो हमारे पास वेब कैमरा अवेलेबल होना चाहिए ओके सम मॉडल्स ऑफ वेब कैमरा कम विथ माइक्रोफोन और कुछ मॉडल्स जो होते हैं वेब कैमरा के वो किसके साथ आते हैं माइक्रोफोन के साथ आते हैं जॉयस्टिक मनी मशी वी प्ले गेम्स यूजिंग अ जॉयस्टिक ऑन अ वीडियो गेम मशीन इज दे एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर लाइक दिस अदर देन माउस टू प्ले गेम्स ऑन इट तो मनी मशी से पूछ रहा है कि हम जो गेम्स खेलते हैं वो किसके थ्रू खेलते हैं जॉयस्टिक के थ्रू खेलते हैं ठीक है वीडियो गेम में तो ऐसी ही कोई पार्ट है कंप्यूटर का जिसमें हम गेम खेल सकें कंप्यूटर में विदाउट यूजिंग माउस ओके बिना माउस के हम क्या कोई गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर में कोई ऐसा पार्ट है और कंप्यूटर का मशीन अप्लाई ऑफकोर्स मनी द कंप्यूटर डू हैव अ पार्ट लाइक दिस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जॉयस्टिक कंप्यूटर के पास भी एक पार्ट है जिस जिसे हम गेम खेल सकते हैं उसका नेम है जॉय इज स्टिकूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर जॉय स्टिक का यूज क्या किस लिए कहते हैं हम फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर दिज आर दिक्चर्स ऑफ अवर जॉयस्टिक ओके सी डी डी वी डी पैन ड्राइव मनी मशी आई वॉन्ट टू गिव माई बर्थडे पिक्चर्स टू माई फ्रेंड्स विच आर स्टोर इन माई कंप्यूटर हाउ कैन आई तो मनी मशी से पूछ रहा है कि मुझे अपनी बर्थडे की पिक्चर्स अपने फ्रेंड को देनी है जो किस में स्टोर है कंप्यूटर में स्टोर है ठीक है उसके कंप्यूटर में मनी के कंप्यूटर में उसके बर्थडे की पिक्चर्स स्टोर हैं जो कि वो पिक्चर्स वो अपने फ्रेंड को देना चाहता है तो वो कैसे देगा ठीक है वो मशीन से पूछ रहा है मशी रिप्लाइड इट इज सो सिंपल कॉपी द पिक्चर्स फाइल इन अ पेन ड्राइव एंड गिव इट टू योर फ्रेंड शी विल दर्न कॉपी डैम फ्रॉम पेन ड्राइव टू हर कंप्यूटर ये तो बहुत ही ईजी है तुम्हें क्या करना है कॉपीज पिक्चर्स को कॉपी करनी है ठीक है पिक्चर्स को जब वो कॉपी करेंगे उसके बाद किस में डाल देंगे पेन ड्राइव में स्टोर कर देंगे और वो पेन ड्राइव जाके अपनी फ्रेंड को दे देना फिर वो उस पेन ड्राइव से उन पिक्चर्स को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में तुम्हें पेन ड्राइव रिटर्न कर देगी बोथ सीडी एंड डीवीडी आर ऑप्टिकल डिस्क दे कैन स्टोर म्यूजिक पिक्चर्स वीडियोस एंड अदर फाइल्स कंप्यूटर शुड हैव डीवीडी ड्राइव टू यूज़ देम तो यहाँ पे जो हमारी सीडी और डीवीडी वी हैं वो क्या है ऑप्टिकल डिस्क है ओके okay. जो हमारे क्या स्टोर करती म्यूज़िक पिक्चर वीडियोस या कोई भी फाइल स्टोर करती है तो कंप्यूटर के पास एक डीवीडी ड्राइव होना ज़रूरी है ठीक है बिना डीवीडी ड्राइव के हम सीडी या डीवीडी को यूज़ नहीं कर सकते ठीक है ये हमारी क्या है डी ड्राइव है जिसमें हम अपनी सी डालते हैं तब जाके हम सी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं A pen drive is more easy, fast and handy to carry the files from a computer and share them to others. To use a pen drive, we need a USB port in the computer. Just insert in it the sport and use it. तो pen drive क्या है? और ज़्यादा आसान है, और फ़ास्ट है, और हैंडी टू तो कैरी। मतलब हम इज़िली कैरी कर सकते हैं, ठीक है? थेके? Pen drive हमारी इतनी छोटी सी होती है, ओके? तो जिसमें हम हाँ अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और उसके साथ टू यूज़ अ पेन ड्राइव वि यू एस बी पोर्ट हमें क्या चाहिए होता है एक यू एस बी पोर्ट चाहिए होता है कंप्यूटर में एक छोटा सा स्लॉट होता है कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम पेन ड्राइव को उसके साथ अटैच करते हैं और फिर पेन ड्राइव के डेटा को एक्सेस करते हैं ओके सो डियर स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू जस्ट डू अ वर्क यर टूडेज असाइनमेंट इज यू हैव टू राइट द डेट देन राइट चैप्टर नंबर वन सो इट डिनोट्स दैट दिस वर्क इज बिलोंग्स टू चैप्टर वन ओके ये लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चलेगा ये जो आपने वर्क किया है ये किससे किसका है चैप्टर वन का है देन राइट द हैडिंग सम मोर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ओके देन राइट नंबर वन हमारे जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं अभी कंप्यूटर के आपको बस उनके नेम्स लिखने हैं ठीक है ठीके? आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो क्या होते हैं वे आर एंड हाउ वी कैन यूज़ दैम बट आपको अभी कॉपी में सिर्फ उनके नेम्स लिखने हैं तो फर्स्ट इज स्पीकर्स एस पी ई ए के ई आर एस स्पीकर्स ओके सेकेंड इज़ प्रिंटर P R I N T E R printer. Third is scanner. S C A N N E R scanner. Fourth is microphone. M I C R O P H O N E microphone. Then fifth is C D. Sixth is web camera. W E B C A M E R A web camera. Seventh is जॉय स्टिक जे ओ वाई एस टी आई सी की जॉय स्टिक एंड द लास्ट इज पैन ड्राइव पी ई एन डी आर आई वी ई ड्राइव पेन ड्राइव ओके सो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपको इन सब की स्पेलिंग्स थोरोली लर्न कर लेनी है ओके और रेस्ट ऑफ दी एक्सरसाइज वी विल ऑन दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की एक्सरसाइज करेंगे आपको बस अभी क्या करना है सिर्फ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नेम्स लिखने हैं और उनकी स्पेलिंग्स बाय हार्ड लर्न करनी है ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू